कैली हैमिल्टन थ्योरम, हैमिल्टन थ्योरम। सो व्हाट इज द कैली हैमिल्टन थ्योरम? सो इट सेज दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इट स्टेट दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब इसका मीनिंग क्या है? दैट इज इफ ए इज योर 3x3 मैट्रिक्स, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। ओके, इफ ए इज 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, देन देयर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज वॉट? देयर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ए थ्री लैमड़ा क्यू प्लस ए टू लैमड़ा स्क्वायर प्लस ए वन लैमड़ा प्लस ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। देन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, देन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज दिस। देन इफ आई रिप्लेसिंग लैम्डा बाय मैट्रिक्स ए, देन दिस विल दिस इक्वेशन आल्सो इक्वल टू जीरो। देन इफ ए थ्री ए क्यू प्लस ए टू ए स्क्वायर प्लस ए वन ए एन प्लस ए नॉट आइडेंटिटी एंड दिस इक्वल टू जीरो, ए इज योर एनी मैट्रिक्स एंड इट हैज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन मैट्रिक्स ए मस्ट सेटिस्फाई दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, नाउ सी हियर, इफ आई आस्क फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स टू फाइंड ए इनवर्स, देन व्हाट हैपन? Multiplying on both side by the A inverse, then what happen here? A3 AQ, मैं post multiply कर रहा हूँ A inverse से, so यहाँ पे multiply करो A inverse से plus A2 A square A inverse plus A1 A into A inverse and plus ए नॉट आई ए इनवर्स इक्वल टू जीरो टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। मैंने क्या किया, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो बेस सेम है, पावर विल बी एडेड, सो दिस बिकम ए थ्री एट थ्री, पावर विल बी वॉट टू, ए टू प्लस ए टू, यहाँ से टू माइनस वन दैट इज वन, यहाँ पे वन हो जाएगा ए, एंड प्लस ए वन, ए इंटू ए इनवर्स इज वॉट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, सो दिस बिकम आइडेंटिटी एंड प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए नॉट ए इनवर्स एंड दिस इक्वल टू वॉट जीरो। जीरो में कोई भी मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर या फंक्शन से तो ये आपको जीरो मिलेगा। ओके, नाउ व्हाट हैव टू डिटरमाइन, हैव टू डिटरमाइन ए इनवर्स, बाकी सभी को उस साइड शिफ्ट करो, सो यू विल गेट ए नॉट ए इनवर्स इक्वल टू, इस सबको इधर लेके आओ, सो माइनस ए क्यू ए स्क्वायर माइनस ए टू ए, सो माइनस ए वन आई। ओके, नाउ शिफ्टिंग A not on that side, so this become A inverse equal to 1 upon A not
मैं माइनस एन बाहर निकाल ले रहा हूँ, सो दिस बिकम ए थ्री ए स्क्वायर प्लस ए टू ए एन प्लस ए वन आइडेंटिटी. सो दिस इज द फार्मूला फॉर ए इनवर्स. ओके, यू मस्ट रिमेम्बर दिस. अब इस तरह से आपको करना पड़ेगा. चलिए, नाउ बेस्ड ऑन दिस वी विल डू वन प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम इज वेरी इजी एंड सिंपल फॉर यू. वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम. कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 4 2 3, 1 4 2 3. वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए एंड फाइंड ए इनवर्स. हैंस फाइंड, हैंस फाइंड ए रेस टू फाइव, ए रेस टू फाइव माइनस फोर, फोर रेस टू फोर माइनस ए वन ए क्यू प्लस इलेवन ए स्क्वायर, इलेवन ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टेन आई इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ ए दिस हैव टू फाइंड आउट. सो फॉर दिस व्हाट हैव टू डू, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो. फटाफट निकालो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो वन माइनस लैम्डा फोर, टू थ्री माइनस लैम्डा एंड दिस इक्वल टू जीरो. जिस क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू विल हैव वन माइनस लैम्डा थ्री माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई फोर टू जा एट, माइनस एट दिस इक्वल टू जीरो. सो यू विल गेट वन से मल्टीप्लाई करो थ्री माइनस लैम्डा देन माइनस थ्री लैम्डा माइनस माइनस प्लस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस एट इक्वल टू जीरो. सो दिस बिकम लैम्डा स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से थ्री माइनस थ्री, थ्री माइनस वन दैट इज व्हाट माइनस फोर लैम्डा एंड एट और प्लस थ्री हाउ मच दिस माइनस फाइव एंड दिस इक्वल टू जीरो. So this is your characteristic equation. So by Kelly Hamilton theorem, by Kelly Hamilton theorem, every square matrix satisfies its own characteristic equation. So we are replacing lambda by matrix A. So you will have A square minus 4 A minus 5 I and this equal to 0. Now we have to take left hand side and verify that whether it is 0 or not. So now to verify Kelly Hamilton theorem, to verify A square minus 4 A minus 5 I and this equal to 0. So for this what have to do, we have to find A square. So find a square. A square is a into a. So a, your matrix a is what, 1 4 2 3 and again 1 4 2 3. Just multiply this, do the matrix multiplication. 1 1 ja 1 plus 4 2 ja 8. Okay,
इसका मल्टीप्लाई किससे किया, 1 मिला, अब 4 टू जा 8, नाउ कम टू हियर, 1 1 4 जा 4, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4, एंड प्लस 4 3 जा 12। ओके नाउ सेम थिंग, 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 3 3 जा 9 प्लस 9, एंड दिस बिकम 9 एंड 6 2 8 एंड 12 एंड 4 16 एंड 8 एंड 8 16 प्लस 1 17। ठीक है, दिस इज द ए स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर, देयर फोर आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इक्वल टू वॉट, ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 आई। चलिए फटाफट यहाँ पर रखो लेफ्ट हैंड साइड में, टेक नेक्स्ट पेज। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इक्वल टू ए स्क्वायर इज हाउ मच वी ऑब्टेन, ए स्क्वायर का हाँ 9 16 8 17। हाँ बोलो फटाफट, 9 16 8 17, और उसके बाद क्या था आपका, माइनस 4 ए, सो माइनस 4 ए इज मैट्रिक्स, व्हाट इज द ए, 1 4 2 3, 1 4 2 3, देन माइनस है कि प्लस है, माइनस फाइव आई टू नो वी नो आई 1 0 0 1। नाउ सिंप्लीफाई दिस, सो जस्ट मल्टीप्लाई 9 16 8 17 माइनस, माइनस को मैं यहाँ पे प्लस कर दे रहा हूँ, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करो, सो माइनस माइनस 4 माइनस 4 4 4 जा 16 माइनस 16, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, माइनस 4 2 जा 8 एंड माइनस 12 एंड प्लस मल्टीप्लाई इनसाइड, माइनस 5 0 0 माइनस 5। ओके नाउ एड देम ऑल, फर्स्ट कंपोनेंट विद एडेड विद फर्स्ट कंपोनेंट, 9 माइनस 4 माइनस 5, देन 16 माइनस 16 प्लस 0, देन 8 माइनस 8 प्लस 0, देन 17 माइनस 12 माइनस 5। सो कैसा मिलेगा आपको ये बोलो, 0 0 0 0 0, हाँ मिल गया ना, राइट हैंड साइड 0, विच इज वॉट, राइट हैंड साइड। ओके हैंस ए टू द पावर कितना था हमारा, ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5, ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 आई इक्वल टू 0, हैंस कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। दस कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। ओके ये वेरीफाइड हो गया, अभी हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए इनवर्स। सो नाउ टू फाइंड ए इनवर्स, टू फाइंड ए इनवर्स, इसमें ए इनवर्स के लिए क्या करना है हमको, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। सो इन इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इन इक्वेशन नंबर 1 पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, पोस्ट मीन्स वॉट, पीछे से मल्टीप्लाई करो, प्री मतलब आगे से, सो पोस्ट मल्टीप्लाई मीन्स ए स्क्वायर ए इनवर्स माइनस 4 ए ए इनवर्स माइनस 5 आई ए इनवर्स इक्वल टू 0। सो यहाँ से बेस सेम है दोनों, तो पावर विल बी एडेड, सो दिस बिकम, यहाँ से पावर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो माइनस 1, दैट इज ए माइनस 4
तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आपका, आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी, एंड माइनस 5 A इनवर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो इसको से लेके जाएंगे हम, 5 A इनवर्स इक्वल टू ए माइनस 4 I, गेटिंग। सो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आपको मिलेगा देयर फोर ए इनवर्स इक्वल टू 1/5, सॉरी 1/5 ए माइनस 4 I, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू सब्सिट्यूट करो और आई की वैल्यू सब्सिट्यूट करो, ए इनवर्स आपको मिल जाएगा। तो गो टू द नेक्स्ट पेज। सो देयर फोर ए इनवर्स इक्वल टू 1/5 योर मैट्रिक्स ए, ए इज वॉट, जस्ट टेल मी द मैट्रिक्स ए, टेल मी मैट्रिक्स ए हाउ मच, 1 4 2 3 1 4 2 3, देन वॉट इज रिमेनिंग, माइनस 4 I, सो माइनस 4 I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ओके, योर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ दिस इक्वल टू 1/5, चलो अंदर का पहले सॉल्व कर लो, 1 4 2 3, देन प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 4 0 0 माइनस 4, सो दिस बिकम, यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगा हुआ, नहीं तो इसका मतलब कि 1/5 केवल इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपका मिस्टेक हो जाएगा और आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे 1/5 ऐसा लिखो और इसको ऐड करो, 1 माइनस 4 हाउ मच, -3, एंड 4 + 0 हाउ मच, 4, एंड 2 + 0 2, एंड 3 - 4 -1, सो दिस इज योर ए इनवर्स, गेटिंग। कितना सिंपल है, बाय यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम टू फाइंड द ए इनवर्स। नाउ आवर जॉब इज नॉट फिनिश, आवर जॉब इज टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, ए आवर टू द जॉब इज पावर फाइंड, फाइव बाप माइनस रे दिस फोर वैल्यू, ए रेस टू फोर बिग वैल्यू, हाँ इसको जरा आप मुझे बोलो, हाँ नेक्स्ट पेज पे, ए टू द पावर ए टू द पावर फाइव माइनस माइनस फोर, ए टू द पावर फोर ए टू द पावर 4 - 7, -7 ए टू द पावर थ्री ए टू द पावर 3 -11 ए माइनस स्क्वायर इलेवन नहीं प्लस है, +11 है। हाँ +11 है, प्लस है, प्लस ए डाले सर स्क्वायर, अभी। इसलिए तो मैं बोला हूँ कि मैं खुद लिखता हूँ, माइनस ए, कॉपी देन कर लेते हैं ना सर फिर, -10 -10 आई, आई। ओके। तो हमको इसके बारे में डिस्कस करना है, सो व्हाट हैव टू डू हियर, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, बाय दिस इक्वेशन से, सो वी डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, सो ए स्क्वायर माइनस 4A - 5A, सो ए स्क्वायर माइनस माइनस व्हाट, फोर कितना था, ए 4A हम्म, माइनस 5 I, ओके। सो हियर विल बी, इफ आई राइटिंग हियर ए क्यू, देन व्हाट, मल्टीप्लाई दिस, सो ए टू द पावर 5 माइनस 4A to the power 4, देन माइनस 5AQ माइनस 5AQ, ओके, यू नो द डिवीजन, बचपन में हम लोग कैसे करते थे डिवीजन, वैसे करना है। नाउ साइन चेंज द साइन, हियर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। नाउ ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए टू द पावर 5 सेम है कैंसल, अरे प्लस एंड माइनस ये भी कैंसल, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हाउ मच यू गेट, माइनस, ये बड़ा साइन है, सो 2AQ
प्लस 11 a² पूरा लिखो, 11 a² माइनस a माइनस 10 i, ओके नाउ व्हाट। अभी यहाँ पे कितना यहाँ पे जाएगा बार, 1 बार जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस लगाओ, दिस बिकम माइनस 2a, देन माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 a² प्लस 8 a² ओके, एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 5 2 जा 10 a, नाउ चेंज द साइन, हियर माइनस एंड हियर माइनस, सो दिस विल कैंसल, सो यू विल गेट 3 a² ओके, 11 माइनस 8 3, एंड हियर माइनस दैट इज 11 a एंड माइनस 10 i, ओके नाउ व्हाट हैव टू डू हियर, यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, यहाँ से मैं सपोज यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3, देन दिस बिकम व्हाट, 3 a² देन 3 4 जा 12 माइनस 12 a एंड माइनस माइनस 5 3 जा 15 15 i, नाउ चेंज द साइन, माइनस 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 हेयर प्लस देन प्लस, सो दिस विल कैंसल, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा और यहाँ से आपको हाउ मच प्लस 5 i, ओके 15 माइनस 10 हाउ मच 5 i, नाउ नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज, गो टू द नेक्स्ट पेज, नाउ चलिए वो बड़ा सा इक्वेशन फिर से बोलो, 5 a ए टू द पावर 5 माइनस 4 फोर ए टू द पावर 4 देन माइनस 7 ए क्यू माइनस 7 a³ प्लस 11 a² 11 a² देन व्हाट माइनस ए माइनस 10 i माइनस 10 i एंड दिस इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, जस्ट टेल मी प्रोडक्ट, 8² माइनस 4 a, बताओ 8² माइनस 4 a माइनस 5 i एंड प्रोडक्ट ऑफ 8² माइनस 4 a माइनस 5 i एंड प्रोडक्ट ऑफ ए क्यू माइनस 2 a प्लस 3, ए क्यू माइनस 2 a एंड प्लस 3 एंड प्लस रिमेनिंग टर्म रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर, ए प्लस 5 i, ए प्लस 5 i, ओके नाउ व्हाट, नाउ बट वी नो दैट, हाँ बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी विल हैव 8² माइनस 4 a माइनस 5 i इक्वल टू व्हाट, 0, और ए इनटू ए क्यू, यहाँ पे ऐसा रख दो नहीं तो आपको, ए क्यू माइनस 2 a प्लस 3 एंड प्लस ए प्लस 5 i, इसको ऐसा ब्रैकेट में लिखो 5 i, बट दिस इज व्हाट 0 प्लस एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, ए प्लस 5 i, सो दिस बिकम व्हाट, ए प्लस 5 i, सो व्हाट योर क्वेश्चन से, हेंस फाइंड दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू क्या है, जस्ट ए ही है, इतने है, तो यहाँ पे अगर बोलेगा मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए तो आप जस्ट क्या करोगे, मैट्रिक्स ए डालो एन प्लस 5 i 1 0 0 1, व्हाट इज योर मैट्रिक्स ए, योर मैट्रिक्स ए इज 1 4 2 3 1 4 2 3, जस्ट सिंप्लीफाई दिस, सो यू विल गेट 1 4 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5 0 0 5, चलो एड दिस,
कंपोनेंट वाइज एडिशन, 5 + 1 6, 4 4 एज इट इज, एंड 2 + 0 2, एंड 5 + 3 दैट इज 8. सो इसकी वैल्यू कितना आएगा आपका, ए आएगा. ठीक है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम. अगर आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम पता नहीं होता तो आप क्या करते, ए का पावर 5 निकालते इसका, ए टू द पावर 5 4 करते, इससे सम हो जाता आपको मल्टीप्लाई करते करते. ठीक है, तो बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम योर प्रॉब्लम बिकम्स सो इजी एंड सिंपल. गेटिंग दिस स्टूडेंट्स? गेटिंग? हाँ सर. जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन. वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम. HW एग्जाम्पल, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू वन टू जीरो, वन टू जीरो टू माइनस वन, टू माइनस वन जीरो, देन जीरो जीरो माइनस वन, जीरो जीरो माइनस वन. ओके, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर दिस मैट्रिक्स एंड हैंस हैंस फाइन ए टू द पावर माइनस टू. वहाँ पे क्या करना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ए टू द पावर माइनस टू से मल्टीप्लाई करना है बाय पोस्ट मल्टीप्लाई, तो मैट्रिक्स आपका रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, वहाँ पे मैंने क्या किया था, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था. देखो यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर माइनस टू, सो योर मैट्रिक्स विल बी रिड्यूस. तो आपको ए टू द पावर माइनस टू की वैल्यू आपको निकालना है वहाँ पे. गेटिंग?